तो अभी हम पहुंच गए हैं नेपाल में हूँ अभी, और वो सामने ऊपर व्यास गुफा है और ये काल नदी निकलती है। तो फाइनली अभी पत्थर गिरना शुरू हो गए थे हम पे। ओम नमः शिवाय, जय आदि कैलाश की जय। हर हर महादेव भक्तजनों, ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पे 5 कैलाश हैं। शिखर महादेव, किन्नर कैलाश, मणि महेश, आदि कैलाश और बड़ा कैलाश, जहाँ शिव शंकर जी का वास है। और इन 5 कैलाश के दर्शन मात्र से सारे पाप हट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में आपको दर्शन कराता हूँ आदि कैलाश के, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, और ओम पर्वत के। जय शंकर। जय शंकर की ऑल माय फ्रेंड्स। तो ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है और यह है आदि कैलाश यात्रा, जो कि उत्तराखंड में है। छोटा कैलाश भी कहा जाता है इसको। और 2023 की यात्रा मैं करने जा रहा हूँ, और अभी हूँ मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। यहाँ से मैंने ट्रेन बुक कर रखी है बरेली तक, और फिर आगे बरेली से टनकपुर होके मैं पिथौरागढ़ धारचूला पहुँचूँगा। और तकरीबन 8 बजे का टाइम है, और यहाँ से ट्रेन में निकलेगी 9:30 बजे तक, 9:05 या 10 को ट्रेन निकलेगी यहाँ से। तो वीडियो में बने रहिए, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी हमने बरेली बस स्टैंड से बस लिया टनकपुर के लिए। टाइम हो रहा है 6 बजे हैं, हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, और तकरीबन 9 बजे तक ये हमें पहुँचा देगी टनकपुर। हमने टनकपुर से टैक्सी ले ली है, ये हमने पिथौरागढ़ तक के लिए 650 रुपये इसका रहे। आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, मतलब पिथौरागढ़ अगर आप जा रहे हैं तो आधा रास्ता चंपावत में कंप्लीट होता है। शिवम है इसका नाम। हमारे साथ तरुण सर, महेश भाई, जयंत भाई और उनके फ्रेंड, वो साथ वाले कमरे में हैं, और दिनेश जी। तो आज रात को हम यही स्टे करेंगे, और कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो आज हमने कंप्लीट की हैं। कुछ शाम, एक्चुअली हम शाम को पहुंचे थे, तो जो शाम को थी फॉर्मेलिटीज़ वो हमने कर ली हैं, और बाकी हम कल सुबह करेंगे और आपको डिटेल में अपडेट देंगे कि क्या प्रोसीजर, कहाँ आना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, कैसे मैनेज होंगी चीज़ें और कितना खर्चा आएगा उसका। और बाकी जब हम पिथौरागढ़ से टनकपुर आए, तो उसका बस में आए थे, लोकल बस का किराया था 230 रुपये कह रहा हूँ। तो मिलते हैं। वी आर 6 पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ आए हैं आज, कल से हमारी यात्रा चालू हो, आरम्भ हो जाएगा आदि कैलाश के लिए। तो ये आपका SDM ऑफिस है, आपको यहाँ से क्या बोलते हैं एफिडेविट निकालना पड़ेगा फॉर द यात्रा, पर परमिट भी आपको यहाँ मिलेगा। ओके, और आइए। तो पहले यहाँ हमारे वकील बैठते हैं, एडवोकेट मिस्टर अजीत सिंह गोवाल, उन्हीं से काम करवाया, आप भी इनसे काम करवाइएगा। और चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं? चार्जेस हैं इनके अराउंड 500 रुपीज सब मिला के देते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे? आपके आधार कार्ड के ओरिजिनल और जेरोक्स, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस रिमोट सर्टिफिकेट, ये आपको जगह से मिल जाएंगे। जमा कीजिए, आपको बुझे ना हाफ में आपको परमिट मिले। और ये कितने टाइम का प्रोसेस है, ये नोटरी वगैरह? ये आपका आधे घंटे से 1 घंटे का प्रोसेस है, सब कुछ मिला के। अच्छा, और पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन आपको 15 मिनट का काम है, सर्टिफिकेट वहाँ डॉक्टर होंगे तो आपका 15-20 मिनट का काम। अगर कोई घर से करवा के लाता है तो वो वैलिड होगा? नहीं होगा, आपको यहाँ से थोड़ा निकालना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा ये। और अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो वो कैसे मैनेज? आपके यहाँ ग्रुप मिलना तो आप मुश्किल हो जाता है। ओके, या तो वो पैकेज के थ्रू आए या तो यहाँ पे ग्रुप। पैकेज का रेट चल रहा है 13,900, 14,000, 15,000 ये,
ये धारचूला टू धारचूला पैकेज का रेट। हेलो गाइस, मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं धमतरी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं ओम पर्वत की यात्रा के लिए यहाँ पर धारचूला में आया हूँ। तो महेश भाई, थोड़ा बताओगे कि हमारे आने वाले यात्री भाइयों के लिए कि यहाँ पे आने के बाद अगर वो खुद से अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराना चाहते हैं, जैसे कि पास मेडिकल के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो उनको खुद लेके करवानी पड़ेगी या करवा के आ सकते हैं, यहाँ के करवाएंगे? सर, यहाँ पे आके करवाना बहुत ईजिली है। इनर लाइन परमिट जिसे कहा जाता है, आप SDM ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाता है। 10 रुपए के स्टाम्प में आपको नोटरी करवाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से मेडिकल जाना पड़ता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ से इजीली 28 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। उसके बाद 150 रुपए वो मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र का लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल फॉर्म रेडी हो जाता है। और उसके बाद जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, उसमें आपको एफिडेविट की कॉपी, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटो, उसको आपको लगा के पुलिस थाने में जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, जिसमें थानेदार साहब तुरंत आपको करके दे देते हैं। इस सभी कागज़ों को आप PDF बनाकर euttarakhand.in पर जाकर खुद भी अपलोड करके आप खुद अपना 200 रुपये जो चार्ज कटता है उसका, वो कटवा कर फोन पे या जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कटवा के आप खुद भी बना सकते हैं, या तो फिर जो चॉइस सेंटर होते हैं जो इस टाइप का काम ऑनलाइन का काम करते हैं, ये मिल जाएंगे हमें धारचूला में। हाँ, काफी। ये धारचूला में SDM ऑफिस के सामने ही इनके 2-3 ऑफिस बने हुए हैं, तो वहाँ पे करो। तो ये कितने टाइम का, टोटल कितने टाइम का प्रोसेस है ये, 1 घंटे या 2 घंटे? 2 से 3 घंटे आपको इसमें लग जाते हैं। और आप लोगों को लोग क्या रिकमेंड करोगे, वो घर से करवा के लाएं ये सब चीजें यहाँ पे आके करें? सर, यहाँ पे आके कराना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ की SDM ऑफिस ने अगर उसको अप्रूव नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे आके कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कराना बेटर है। और ये पूरा प्रोसेस में कितना खर्चा आ रहा है? 400 से 500 रुपए 500 से 600 रुपए का खर्च आएगा सर आपको। ओके, इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन में कोई चार्जेस नहीं है? वेरिफिकेशन का कोई चार्ज नहीं है। मेडिकल वेरिफिकेशन का 178 रुपए, अगर आपकी BP हाई है तो आपका ECG भी होगा तो उसका 150 रुपए चार्ज आपका और लग जाएगा। ओके, वैसे नहीं लगेगा, जो नॉर्मल बंदे हैं उसका 150 रुपए चार्ज और रजिस्ट्रेशन का 28 रुपए चार्ज, मतलब 178 रुपए आपका। ठीक है, और गाड़ी वाला अगर हमने अपने बिहाफ में किया तो कितने पैसे लेंगे वो? सर, आपका अगर ग्रुप 6 बंदों का है तो आपको गाड़ी बहुत सूटेबल पड़ेगी, 25,000 रुपए यहाँ रेट, एक फिक्स रेट है, आप उसमें बार्गेनिंग करके उनको 20, 22, 23 तक ला सकते हैं। ओके, उसमें वो 3 दिन की आपकी यात्रा कराएंगे, 2 नाइट स्टे आपका ऊपर रहेगा, 3रा नाइट स्टे आपका नीचे रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे धारचूला में कहाँ स्टे किया आपने? धारचूला में हमने आज गांधी चौक के पास नैनीताल बैंक के सामने शिवम होटल है, वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया है, जो की बहुत बढ़िया होटल है। ठीक है, कितने चार्जेस हैं यहाँ के? सर, यहाँ के रूम के चार्जेस हैं डबल बेड के 1200 रुपए और ट्रिपल बेड के 1500 रुपए। ये अभी हम धारचूला में, और ये पुलिस स्टेशन जहाँ से आपको वेरिफिकेशन वगैरह करानी पड़ेगी यात्रा के। और वो सामने जो घर वगैरह दिख रहे हैं वो सारे हैं नेपाल के, और अभी हम जा रहे हैं नेपाल की ओर। और यहाँ से है डुंगरी मंदिर 3 किलोमीटर और काठमांडू आपको पड़ेगा 965। और ये है काली नदी जो कि इंडिया और नेपाल को सेपरेट कर रही है, और ये एक ही ओनली वे है नेपाल जाने का, और लोग यहाँ से नेपाल कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। और ये हम जा रहे हैं अब नेपाल की ओर, और ये काली नदी, ये पुल है, पुल पार करके। तो अभी हम पहुँच गए हैं नेपाल में, हूँ अभी मैं धारचूला से, अपने वीडियो में जैसे बता रहा हूँ कि काली नदी को क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे मार्केट वगैरह तो सब कुछ सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये लग रहा है कि यहाँ पे हर एक शॉप, मतलब हर एक शॉप में जैसे चाय पानी की शॉप होती है, वहाँ को बियर और दारू वगैरह इजीली अवेलेबल है, हर शॉप से मिल रही है, तो ये थोड़ी चीज़ नॉर्मल है यहाँ पर। तो ये है सारी नेपाल की मार्केट, और अभी हम धारचूला से नेपाल में पहुँचे। इस जगह को भी क्या कहते हैं जयंत भाई, इस जगह को क्या बोलते हैं, धारचूला क्या कहते हैं? धारचूला, दो है ये, है ना, और जो अपनी इंडिया साइड है वो धा है, धारचूला। नेपाल की गलियों में घूमते हुए, और ये है वो ब्रिज। एक्चुअली ब्रिज में फोटोज और वीडियोस क्लिक करना और बनाना अलाउड नहीं है,
तो ये हम शॉप पे पहुंच गए हैं। क्या है महेश भाई, ये चाय के साथ चाय को दादू चाय दुकान है, वो दोनों है। ये नेपाल का कमाल, ये नेपाल का कमाल है बिल्कुल। तो अभी हम एक शॉप पे पहुंचे, दीदी की दुकान है ये नेपाल में। तो नमस्ते मैडम, हम जो है अभी दारदुला से आ रहे हैं, कल हमारा आदि कैलाश जाने का प्लान है। तो थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता सकते हैं, नेपाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब ऑल आर हैप्पी एंड आपका जो है कंफर्टेबल है लाइफ यहाँ पर? यहाँ ठीक ही है, अब ये पहाड़ी इलाका है जी, और उधर तराई से यहाँ थोड़ा ठीक ठाक ही होता है। पहाड़ पहाड़ ये बाजार एरिया है, और ऊपर से पहाड़ से लोग इधर नीचे आते हैं सामान किनने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। okay. और यहाँ जो नहीं मिलता है तो पहाड़ धारचूला भी मिलता है। जो इधर मिल जाता है यही खरीद लेते हैं, जो नहीं मिलता है तो पहाड़ जाकर जो जो उधर या नहीं मिला हुआ चीज उधर मिलता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो वहाँ से जब सामान लेके आते हैं तो जो ब्रिज पे बैठे हुए हैं आर्मी पर्सन, वो कोई रोक टोक लगाते हैं या कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि इतने तक का इस अमाउंट तक का लेके आ सकते हैं या नहीं ला सकते? ये क्या है कि मतलब जैसे अपने घर के लिए, घर के यूज के लिए जो सामान लेते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ओके। अब जो इलीगल सामान इधर उधर करते है उसके लिए तो रोक टोक है, और जो दुकान के लिए लाते है उसके लिए थोड़ा भंसार करते हैं, और ऐसे तो कुछ नहीं है। अब कोई अब शंका कोई किसी को डाउट कर लिया तो उसे चेक करते, नहीं तो नॉर्मली हम आज आते जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं। ओके। तो कुछ टाइमिंग भी है कि इतने बजे से इतने बजे तक आ जा सकते हो या? हाँ, यहाँ नेपाली 7 बजे से शाम का 7 बजे, 7-12 घंटे तक जो है फ्री आप आना जाना। अगर कभी स्टे करना हो वहाँ पे तो कुछ है प्रोसीजर उसका, या कहीं अगर वहाँ एक दिन रहना हो या 2 दिन रहना हो? नहीं नहीं, आगे कहीं घूमने जाना है? नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी आपके ऐसा हुआ कि कभी रिलेशन खराब हुआ या कभी आने जाने में रोका हुआ आज तक? कभी अभी तक तो ऐसा कुछ भी कुछ नहीं हुआ। और उधर के लोग अब नेपाली इधर का नेपाली मेड उधर का मानते, और यहाँ कोई महंगा पड़ गया तो हम लोग इंडिया जाते हैं। तो गाड़ी हमारी आ गई है और आज हम निकल रहे हैं आदि कैलाश। ये हमारी गाड़ी है 1814, और ये हमारे दादा हमारे ड्राइवर जो हमें लेके जाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? अमित। अमित। ओम नमः शिवाय, जय आदि कैलाश की जय। यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है अभी आदि कैलाश के, रोड ना खुला कर रहे हैं अभी और ज्यादा, तो आने वाले लोगों के लिए और बढ़िया हो जाएगा। जैसा भी कहा जाता है, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। नजरें मंजिल पर रखें अपनी, रास्ते की मुश्किलें खुद ब खुद हल होने लगेंगी। बस उसी तरह हमारा भी जो हमारा ध्यान था पूरे महादेव के ऊपर था, और कब ये रास्ते कट गए हमें पता ही नहीं लगा। ये पूरा वही एरिया जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुई है अभी 5-10 दिन पहले, पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। आप काफी वीडियो भी वायरल हुई थी जगह की। अभी हम पहुंच गए गांव मालपा, और ये तकरीबन चले हुए हमें कितना है, 1.5 घंटा हो गया। हम 8 बजे 8 बजे साढ़े निकले, कल 7:30 बजे निकले। हाँ, तो 2 घंटे होने वाले हैं ना। होने वाले। और यहाँ की क्या कहानी है जय भाई, थोड़ा बताओगे मुझे? यहाँ 1992-93 में प्रतिमा बेदी के साथ एक हादसा हुआ था, वो पूरा ग्रुप मसलाइड में बह गया था। अच्छा, यहाँ पे 300 पूरा गाँव ही बह गया था, 300 पीपल डाइड, और यहाँ पे उनकी समाधि भी है।
आपको देख दी जाएगा समाधि की यादगार। तो मानसरोवर के जितने भी थे वो सारे सारे ऑल डाइड इन द फर्स्ट लाइन। अच्छा सिया लेक पहुंच गए अभी हम। अभी हमारी यहाँ सेकंड जगह पासेस वगैरह चेक हुए हैं। सेकंड चेक पोस्ट थी आईटीबीपी की, इससे पहले एक और जगह थी। तो बोल रहे हैं अभी दो जगह और चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी चेकिंग वगैरह होगी। पासेस वगैरह जो है तीन चार जगह चेक होते हैं। दादा वो सामने कौन सा गांव है? गुंजी आ रहा है। गुंजी आ गए। गुंजी से दो रास्ते डिवाइड होते हैं, एक मानसरोवर क्लास के लिए और एक आदि क्लास। अच्छा मानसरोवर के लिए वो वाला रास्ता और आदि क्लास के लिए सामने अच्छा मानसरोवर ओम पर्वत के लिए ये रास्ता इस साइड वैली के अंदर। हमने कल सीधे जाना है आदि क्लास के लिए। अगला स्टेशन कौन सा आएगा दादा? नावी आ रहा। नावी आ रहा ना, और नावी में आज का स्टे है हमारा, और फिर कल नावी से हम निकलेंगे आदि क्लास के लिए। टाइम हो रहा है 12:30। हम सुबह कितने बजे निकले थे? 7:30 बजे है ना, तकरीबन 5 घंटे हो गए हमें चले हुए। नाभी में अब पहुंच गए हैं, यहीं पे होम स्टे है आज हमारा, और ये हमारा होम स्टे। ये है असली नेचुरल ब्यूटी पुराने घरों की। तो आज हमारा लंच तैयार करने लगे, क्या खिलाने लगे हो? वेस्ट प्लॉग खिलाएंगे। जी जी। अपना नंबर बताओ अगर किसी ने आना हो गाड़ी अपनी शेयरिंग लेके। 9068790352। तो इनसे भाई से अमित भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी ने भी अगर शेयरिंग में आना हो या ग्रुप हो तो। चार्जेस वगैरह ये बता देंगे कितने भी हैं ना। हाँ गाड़ी मिल जाएगी आपको। हाँ धारचूला से मिल जाएगी, और ये पूरा आदि क्लास ओम पर्वत दर्शन करा के। एक्चुअली सामने एक गांव है, गांव का नाम तो नहीं पता बट अनएक्सप्लोर्ड सा गांव लग रहा है। तो हम अभी हमारे पास थोड़ा लीजर टाइम था, 3 बजने लगे, तो हम सोचे उस गांव में जाके थोड़ा उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो जा रहे हैं उस गांव की तरफ। तो रोंगकोंग गांव में फाइनली हम पहुँचे, और ये वहाँ के लोकल ट्राइब। सुरिंदर सिंह जी हैं, आप इस गांव के रहने वाले हैं। इस गांव का नाम क्या है सर? रोंगकोंग गांव है। रोंगकोंग गांव। अच्छा, और यहां पे कितने आबादी है? कितने यहां आबादी है? केवल 75 गांव है, 75 परिवार है। 75 परिवार है। और इनका मेन काम क्या रहता है? खेती बाड़ी। काम खेती बाड़ी, और आजकल तो नौकरी करते हैं सब। अच्छा, सब यहाँ से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं? कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है। अच्छा, तो खेती बाड़ी किस चीज की है यहाँ पे ज्यादा? खेती बाड़ी फापर होता, पलती होता है, और गेहूँ होता है। अच्छा, आलू मटर। अच्छा, सब। तो आप 12 महीने यहीं पे रहते हो? ना ना ना, 6 महीने रहते हैं। फिर बाद में कहाँ चल जाते हो? धारचूला। धारचूला चले जाते हो? कोई देहरादून। सबका धारचूला मकान होगा। सबका धारचूला मकान। और यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए है स्कूल? पढ़ने के लिए कोई नहीं, आजकल तो यहाँ जितने भी इस वैली में जितने भी है यहाँ स्कूल है, लेकिन आजकल बच्चे लोग यहाँ कोई नहीं पढ़ा पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, देहरादून दिल्ली कहीं चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब धारचूला में पढ़ाते हैं। दुनिया भर का ये स्कूल खुला रखे वहाँ। यहाँ पे लाइट पानी की क्या व्यवस्था है? लाइट पानी की ये सोलर से ही, सोलर। अच्छा, सोलर से ही चलेगा। सोलर। हाँ, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है? गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी? वाईफाई नहीं लगा जैसे उस गांव में? लगा है ये हमारे यहाँ, गवर्नमेंट का है, वाईफाई लगा है। अच्छा, आप 24 घंटे फोन कर सकते हैं यहाँ से। अच्छी फैसिलिटी है, लाइट का नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाए तो? इमरजेंसी बीमार हो तो वैसे उत्तराखंड सरकार जैसे जून जुलाई में तो हेली सेवा देती है, नहीं तो फिर ये गाड़ी हुई। अच्छा, तो भगवान भरोसे दवाई सबका मालिक एक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर आपको यहाँ रहना ज्यादा अच्छा लगता है या धारचूला में ज्यादा अच्छा लगता है? गर्मी में तो यही अच्छा। सर्दी में प्रॉब्लम है? सर्दी में तो ये सब बर्फ चटक जाता होगा। हाँ, आपने साग सब्जी तो ये अब आज से आपसे लेकर सितंबर अक्टूबर तक साग सब्जी यहाँ खुला है। अच्छा, खाने पीने का सब चीज मिल जाता है। आपके दो घर हो गए तो यहाँ पे भी आपका घर का सामान रहता है और वहाँ पे भी घर का सामान रहता है, या उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ता है? थोड़ा थोड़ा तो उठा के ले जाना पड़ता है। अच्छा, जैसे बड़े चीजें तो वहाँ का वही यहाँ का ही। हाँ हाँ,
खाना क्या गैस पे बनता है या चूल्हे पे बनाते हैं? जब से गाड़ी आई तब से सिलेंडर लाना शुरू कर दिया। अरे वाह वाह, नहीं तो पहले तो फिर 3-4 दिन पैदल आते थे तो अपना सामान लाना ही मुश्किल, फिर सिलेंडर कौन लाए। सही कह रहे हो आप, स्टोव जला के खाना बनाते। पर आप यहाँ पे रहने में खुश हैं? खुश, बढ़िया। आपका पुराने बुजुर्ग भी यहीं पे रह के गए हो ना? तो वो तो 12 महीने यहीं रहते होंगे आप लोग, तो अब धार तो वो भी 6 महीने रहते थे। विंटर में ज्यादा बर्फ आने से वजह से फिर परेशानी होती है, कहीं पानी नहीं आता, नाले में जाना पड़ता है, उस समय काम भी ज्यादा कुछ नहीं होता यहाँ। लेकिन अभी आपका वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, धारतुला में या यहाँ पे है? यहाँ आता प्रॉपर। अच्छा, भारत सरकार यही आती है सब। और जो यहाँ पे BRO और आर्मी वाले, ये हेल्प करते हैं कुछ आपकी? हाँ करते हैं, जैसे BRO आर्मी वाले हेल्प करते हैं, जैसे विंटर में तो करते हैं, बच्चों को लगा दिया। हाँ, BRO वाले, BRO में अच्छा सबके बच्चे लगे हैं, 30-40 बच्चे लगे हैं, तो मतलब डिफेंस ने भी काफी हेल्प करी है आपके। वो BRO वाले पर मंथ 22,000 देते हैं बच्चों को। अच्छा, लगा रखा है यहाँ कई कामों में ना, सुबह जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, शाम को 5 बजे आते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं ना। जो पढ़ने वाले पढ़ी रहे, नौकरी करने वाले कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेरोजगार है बेचारे कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? MBA करके भी जा रहे हैं धारचूला में, सरकारी नौकरी में भी है, सरकारी नौकरी में, और बच्चे धारचूला है। गुंजन पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 3rd में। कहाँ पे? कहाँ पे? ओके ओके, वो स्कूल कहाँ है आपका? धारचूला पे है, यहाँ पे है? ओके ओके, तो अभी स्कूल नहीं जा रहे आप? ये नानी का घर है आपके? अच्छा लगता है यहाँ पे? नहीं, ठीक है, चलो हैंडशेक करो। हेलो, तो फाइनली रोंगकोंग गांव में पहुँच गए हैं, तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक होगा ये, और सुबह धारचूला से चले थे 8:30 बजे, 4-5 घंटे में हम नावी गांव में हमने स्टे किया था। वो जस्ट मेरे पीछे जो है वो है नावी गांव, तो उसके साथ एक रोंगकोंग गांव मुझे सामने दिखा, तो मैंने सोचा कि टाइम भी है तो क्यों ना इस गांव को एक्सप्लोर करें। लोगों के साथ आपने वीडियो में देखा होगा, लोगों के साथ हमने बातचीत भी करी, और थोड़े कुछ खेत भी हैं यहाँ पे लोगों के, लोग खेती वगैरह करना पसंद करते हैं। और पीछे एक हाथी की शेप में, वो हमें पीछे जो दिख रही है ये हाथी की शेप में कुछ पहाड़ है यहाँ पे। अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है, और डिनर में हमारे लिए, हाँ जी, तो आज हमने स्टे किया योगेश भाई के होम स्टे में जो कि नावी में है। तो अगर किसी ने भी आदि कैलाश यात्रा के लिए आना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो योगेश भाई, थोड़ा बताओगे कि आपका नावी में कहाँ पे जैसे और कैसे कांटेक्ट हो सकता है आपके साथ, और क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हो यहाँ पे? सबसे पहले तो सभी कैलाश और यात्रियों को मेरा सादर नमस्कार, और योगेश होम स्टे में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप काठगोदाम से होते हुए दादला पहुंचेंगे, और दादला से आप किसी ट्रेवल एजेंसी या खुद भी टैक्सी वालों से पकड़ के आप आ सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल बाहर लिखा हुआ है, उसको भी आप एक बार बता भी दो नंबर अपना, 7456938344। और कैसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे? फोन तो यहाँ पे लगते नहीं, तो व्हाट्सएप के थ्रू? व्हाट्सएप के द्वारा, और जब भी मुझसे संपर्क करना है तो मैसेज कर दीजिए। अभी जून में जियो का टावर लगने वाला है, तो फिर सुविधा हो जाएगी। और होम स्टे के क्या चार्जेस हैं और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दोगे आप? मेरा मिनिमम चार्ज है 1200 रुपये। ओके, और फैसिलिटीज है, हर रूम में बेड लगा हुआ है, और रात को पीने के लिए गर्म पानी का व्यवस्था है, गर्म बॉटल है, और अभी तो डाइनिंग हॉल में चार्जेस का व्यवस्था कर रखा है, लेकिन आने वाले सितंबर में हर रूम में चार्जेस का हो जाएगा। और बोन फायर भी है आपके पास? और आप ये डाइनिंग हॉल भी आपकी जो चटनी है उसका मसाला कोई जवाब नहीं है। भांग की चटनी जो आपकी थी, भांग की चटनी हमने तो पहली बार टेस्ट की, बहुत अच्छी थी, प्यारी और स्वादिष्ट है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, और जो कहीं मिलेगी भी नहीं हमें। और जो मैंने जो 1200 रुपया कर रखा है, आने वालों में अगर इससे भी
और फैसिलिटी होगा तो मतलब चार्ज बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सर। क्योंकि यहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत कठिनाई वाली चीज़ है यहाँ पे, तो 1200 तो मुझे बिल्कुल रीजनेबल लगा। अगर आप कुछ और फैसिलिटी देते हो तो उसमें आपको रेट बढ़ाने में मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। ठीक है, तो योगेश भाई जी हैं ये। सुबह अभी हम निकल पड़े हैं आदि कैलाश दर्शन के लिए। सुबह तकरीबन 5 बजे उठ के हम तैयार हुए थे नहा धो के, और अभी टाइम हो रहा है 6:46, और ड्राइवर और लोकल ने कहा था कि आप 7 बजे के अराउंड यहाँ से निकल जाना। और ये कुछ प्यारा सा व्यू है अभी यहाँ का, तो चलो आज कई सालों से मन था महादेव के दर्शन करने का और आज फाइनली वो दिन आ गया, तो बहुत खुश हूँ मैं, मन में बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और बाकी जो होगा मैं आपको आगे चल के महादेव के दर्शन कराता हूँ। जय शंकर। यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है, तो दादा हमें दादा उतर के थोड़ा रोड बनाने लगे हैं, गाड़ी तभी निकल पाएगी। एक्चुअली गाड़ी के हमारा एक पट्टा टूट गया है, तो आगे दादा बोल रहे हैं कि कूटी से हमें किसी और गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। ये है कूटी गांव, और ये इसका नाम रखा गया है माता कुंती जी के नाम पर। रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं, मंजिलें मंजिल पर रखें अपनी, रास्ते की मुश्किलें खुद ब खुद हल होने लगेंगी। बस उसी तरह हमारा भी जो हमारा ध्यान था पूरे महादेव के ऊपर था, और कब ये रास्ते कट गए हमें पता ही नहीं लगा। अभी यहाँ से आदि कैलाश है 15 मिनट दूर है, और वो हमारे आर्मी वाले जाते हुए, ये सामने जो पर्वत आपको दिख रहा है ये ब्रह्मा पर्वत है। गाड़ी वाले ने हमें यहाँ जोलिंगकोंग में उतार दिया है, और यहाँ से थे स्टीव्यू और उस साइड आदि कैलाश है हमारे, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्या खूबसूरती है आगे। घोड़े से भी जा सकते हो आप, कुछ लोग ये उतर के सामने देख पा रहे होंगे आप वीडियो, घोड़ों से भी जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं हमारे टॉप पर। तो पार्वती सरोवर का यहाँ से आधा ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है, और पीछे हमारे महादेव जी बैठे हैं, और आगे हम कैलाश के लिए जाते हुए। तगड़ी स्नो फॉल हो रखी है यहाँ पे। नीचे वही सरोवर है जहाँ पे कहते हैं कि भीम की खेती है, और यहाँ पे चावल खुद ही उगते हैं, खुद ही नष्ट होते हैं, खुद ही उगते हैं, खुद ही नष्ट हो जाते हैं। ये है वो अब हमें ये स्ट्रेच जो है ये उतरना है गौरीकुंड के दर्शन के लिए। तकरीबन 7 बजे हैं अभी, अभी हम गूंजी से थोड़ा आगे ही आए थे, और गाड़ी हमारी फिर से ख़राब हो गई है, क्लच बिल्कुल फ्री हो गया है, और यहाँ पे चाबी भी नहीं है हमारे पास, तो वेट करें पिछली कोई गाड़ी आएगी तो उससे 10 नंबर की चाबी मिलेगी तो गाड़ी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आज सुबह फिर से निकले थे, और किस्मत ने आज भी थोड़ा साथ नहीं दिया। बाकी ये रास्ता ओम पर्वत को जा रहा है, हमने आगे ही जाना है। अभी हम पहुंच गए हैं काला माता मंदिर, जगह का नाम है काला पानी, और हाइट है इसकी 14,000 फीट। ये आर्मी का कैंप,
आप तो अभी मैं पहले दर्शन हुआ ऊपर पर्वत के। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। सामने दर्शन घूमते हुए जय शंकर जय बोले की। आज है 22 तारीख 2023, मई की तारीख है, आज महीना है। और अभी हम हमारे पीछे ऊपर पर्वत के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सुबह हम नाभी से चले थे और यहाँ पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे। काफ़ी कुछ परेशानी हुई गाड़ी के भी, लेकिन फिर भी बोले की कृपा थी हमें यहाँ पे दर्शन कराने की। और मौसम भी काफ़ी खुला हुआ था, आप देखते हो कितना अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। काफ़ी सालों से हमारा मन था कि कैलाश के दर्शन हो, उसके बाद ओम पर्वत के दर्शन हो, तो भगवान ने आज हमारी सुनी और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और अब हम वापस जा रहे हैं अब गुंजी की तरफ, और गुंजी से हम निकल जाएंगे धारचूला की तरफ। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहे। अब हम दर्शन करके जा रहे हैं वापस, और काला पानी में दर्शन करेंगे माता के, और फिर वहाँ हम गुंजी से गाड़ी ठीक करवा के फिर निकल जाएंगे हम पिथौरागढ़ के लिए, धारचूला। धारचूला ये कौन सा पहाड़ था दादा? ये आर्मी की लाइफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं काली माता मंदिर, और काला पानी है जगह का नाम, और यहीं से जो काली नदी है इसका उद्गम यहीं से होता है। यहाँ मंदिर भी है, और मैं आपको दिखाऊंगा अगर हमारा वीडियो शूट अलाउ हुआ तो, जहाँ से हमारा काली नदी निकलती है। और वो सामने ऊपर व्यास गुफा है। ये देखिए ये जो पानी है यही काली नदी का उद्गम स्थान है। काली मूर्ति में देवी की जिब्बा बाहर नहीं है, और दूसरी कि देवी वस्त्र पहनी हुई है। तो कहा जाता है जब सती जी ने देहत्याग किया था तो क्रोध में आके शिव जी ने चटा के दो एक अंश के दो टुकड़े किए थे। एक अंश से उत्पन्न हुए थे वीरभद्र, जिन्होंने दक्षकांत किया था, और एक अंश प्रकट हुई थी महाकाली। ये वही स्थान है जहाँ जब महाकाली प्रकट हुई थी। ये महाकाली नॉर्मल काली देवी से अलग है, ना इनकी जिब्बा बाहर है और ये कपड़े पहनी हुई है। ओके, और ये मूर्ति बहुत पुरानी है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये कुंड का क्या महत्व? ये काली नदी का उद्गम स्थल है। ओके, ये गर्म पानी का चश्मा, जस्ट काला पानी के नीचे ही है, ये हार्डली 100-150 मीटर नीचे। तो वो वाला ठंडा पानी है और ये वाला गर्म पानी है। तो देखिए नेचर का कमाल यहाँ भी। ग्लेशियर अब पिघलने लग पड़े हैं दोपहर को, तो पानी का लेवल बढ़ता हुआ रोड पे। और अच्छा फुल वैली आ रहा है, लैंड स्लाइड हो गई थी, तो उसकी वजह से रास्ता 2 दिन से बंद चल रहा था आदि क्लास का।
तो अभी हम पहुंचे हैं और बीआरओ ने कहा कि रास्ता ओपन कर देंगे। काफ़ी जाम भी आप देख सकते हो, जाम भी लगा हुआ है। तो तकरीबन दो दिन से रास्ता बंद था और अभी टाइम हो रहे हैं पाँच साढ़े पाँच बजे का टाइम है। तो गाड़ियां आप देख लो कैसे खड़ी हैं दोनों साइड से, यात्रा रुकी हुई है। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अभी शायद रास्ता खुल जाए। अभी पत्थर गिरना शुरू हो गए थे हम पे और बाल बाल बच गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे अभी हफ्ता और पहले लास्टिंग हुई थी और लैंडस्लाइड हुई थी। सेम अभी हम उसी जगह में खड़े हैं और हमारी गाड़ी के ऊपर भी स्लाइडिंग और पत्थर गिरे बट भोले के शंकर कृपा से हम बच गए, बाल बाल बचे हैं। हमारी सबसे लास्ट में गाड़ी थी और हमारी गाड़ी के ऊपर रेगुलर पत्थर गिरे सच में। पूरे जितने भी हम सब बैठे सभी डर गए थे, सभी के मुझे शंकर जी का नाम निकल रहा था। ठीक है, बारिश अभी भी लगी हुई है, का नाम नहीं ले रही, थोड़ा अंधेरा है। अभी भी यहाँ से धारचूला तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है और काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा धारचूला तक ही बारिश है। एक तरफ नेपाल, एक तरफ इंडिया और ये बीच में काली नदी, ये दृश्य देखते ही बनता था। हर एक मोड़, हर एक पहाड़ के बाद क्या ही सुंदर नज़ारे आ रहे थे। मतलब मन करता था कि बस दृश्यों को देखते जाएं और हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा सफ़र कटता चला गया। तो हमारी इस आदि कैलाश यात्रा में अगर मैं काउंट करूँ धारचूला टू धारचूला, मतलब धारचूला से आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करके वापस धारचूला आने का जो हमारा एक्सपेंस लगा था वो नहीं अबाउट 6200 था। और इसमें अगर मैं धारचूला का स्टे भी काउंट करूँ, जो कि धारचूला में हमने 3 दिन काउंट किए थे, तो उसका अगर मैं अलग से 1500 भी काउंट करूँ तो नियर अबाउट 7500 खर्चा है इसका। तो कंप्लीट सर्कल में 7500 से ज़्यादा खर्चा नहीं है अगर आप इंडिविजुअली ग्रुप में जाते हो, ये धारचूला टू धारचूला है। और अगर आपके अलग से एक्सपेंसेस वो अलग से हैं, बट इसमें आपका रहना खाना और स्टे का और आना जाना सब कुछ इसमें काउंट होगा। तो फाइनली यात्रा होगी हमारी कंप्लीट। जय शंकर, जय भोले, 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 जय भ